हेलो एवरीवन, मैं संगीता अग्रवाल आपको आरबीएससी होम साइंस बोर्ड की जो सीरीज़ मैंने चला रखी थी 8 सीरीज़ में आपको मैंने 117 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जिसमें वन लाइनर, निबंधात्मक, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, हर तरीके के प्रश्न मैंने अलग अलग करके बताए थे। आज आपका 23 जून को पेपर हो गया है और पेपर में वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने इस सीरीज़ में सारे लाइन वाइज बताए हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों की आंसर की है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? 11 जुलाई को मनाया गया था। स्त्री जननांगों के परिपक्व होने का पहला सूचक क्या होता है? मासिक धर्म का आना। संदूषित भोजन के सेवन से होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए, पीलिया, हेजा, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, आपकी बुक में दे रखा है। पूरक आहार को परिभाषित कीजिए। पूरक आहार का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि दूध के साथ शिशु को जो आहार दिया जाता है अर्ध ठोस, ठोस और तरल के रूप में, वो सारा आहार है वो पूरक आहार के रूप में जाना जाता है। FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। संदर्भ इकाई क्या है? संदर्भ इकाई से तात्पर्य खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है जो कि हमें उस खाद पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए चाहिए। एपिडेमिक डोप्सी रोग के कोई 2 लक्षण बताइए, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था आर्जिमोन की मिलावट से होता है, जो सरसों के तेल में इसकी मिलावट होती है। पैरों में सूजन आना, नाड़ी की गति धीमी होना और बुखार आना आदि इस तरीके के इसके संकेत होते हैं। सिलाई मशीन में स्लाइस प्लेट का क्या कार्य है? ये हमारा स्टील का एक चौकोर बॉक्स होता है जो उल्टे हाथ से हम बाई ओर खिसकाकर और बोबिन बाइंडर को बाहर निकालते हैं और लगाते हैं, ये इसका कार्य है। शोधक पदार्थ क्या है? सामान्य शब्दों में शोधक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिलकर वस्त्रों की गंदगी को दूर करने और वस्त्रों को स्वच्छ और उजला, साफ, सुंदर, चमकदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्त्र के द्वितीय कार्य क्या है? वस्त्र का प्राथमिक कार्य तो शरीर को बाह्य वातावरण से सुरक्षा करना और उसका सेफ्टी करना, लेकिन दूसरा कार्य है इसका व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, इस तरीके से विकास करना। विनियोग को परिभाषित कीजिए। विनियोग का मैंने आपको सूत्र भी बताया था, व्यक्ति के द्वारा की गई बचत को किसी उत्पादक कार्य में लगाना ही विनियोग कहलाता है। ग्रोस और कैंडल के अनुसार मैंने पारिवारिक आय की परिभाषा भी आपको दी थी और वो यही है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं व सेवाओं का संतोष का वह प्रभाव होता है जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु इसके अधिकारों में आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, एक उपभोक्ताओं के अधिकारों को महत्व देना। भय व आकुलता में अंतर क्या है? यह आपकी पाठ के 2 नंबर पाठ में पेज नंबर 7 पर किशोर अवस्था के संवेग आते हैं ये, और 19 संवेगों में से ये 2 संवेग है, भय होना और आकुलता होना। किशोर अवस्था की यौन समस्याओं को समझाइए, ये भी आपके पाठ नंबर 3 में पेज नंबर 14 के ऊपर किशोर अवस्था की यौन संबंधी समस्याएँ बहुत सारी बता रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को। मंदबुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषता बताइए, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता भी आपके पेज नंबर 40 पे बता रखा है, जिसका IQ 70 से 85 के बीच में होता है वो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं। एक धात्री महिला के आहार में पारंपरिक दवाइयों का महत्व स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक दवाइयों का मतलब होता है जो महिला को अजवाइन, सौंठ, गोंद, इस तरीके की जो चीज़ें दी जाती है उससे मतलब है, ये उच्च प्रोटीन और उच्च ऊर्जा की युक्त होती है, इसीलिए यह आहार है महिला के भोजन में रखना जरूरी होता है। तो ये आपको पेज नंबर 111 के ऊपर डिटेल से आपको दे रखा है बुक में। विद्यालय जाने वाले बच्चों के आहार आयोजन को करते समय आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे, ये आपकी बुक में पेज नंबर 69 पर इसका एक्सप्लेन है, काफ़ी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था। कम मूल्य में पौष्टिक भोजन हेतु आप क्या सुझाव प्रस्तावित करेंगे, ये आहार आयोजन के सिद्धांतों का अगर आपको अच्छे से ज्ञान है उसके अंदर खमीरीकरण, अंकुरीकरण, मिश्रित भोजन का प्रयोग करना, ये हम कम मूल्य के अंदर पौष्टिक भोजन तैयार करने में इसको हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों का आहार प्रबंधन आप किस प्रकार करोगे, ये भी 120 नंबर पेज पे दे रखा है। आपको पता है कि 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट अगर ये टेम्परेचर है
इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब बुखार है, उस समय उसकी जो शारीरिक कैलोरी मात्रा है वो बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, वस्त्रों का चिकनाई युक्त धब्बा है, अब कैसे छुड़ाएंगे? ये अवशोषक विधि से छूटता है। तीनों विधियां मैंने आप लोगों को बताई थी। बैंक में खाता खोलने के लाभ क्या है? जो बैंक के कार्य होते हैं वही बैंक के लाभ होते हैं। ये भी 193 और 194 नंबर पेज पर आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है। घरेलू हिसाब किताब की दो विधियां बताएं, मैंने आपको चार विधि बताई थी, पृष्ठ विधि, लिफाफा विधि, नोटबुक विधि, तो इसमें से आप कोई भी दो कर सकते हो। उपभोक्ता की दो समस्याओं को समझाइए, उपभोक्ता की मैंने आपको सारी समस्याएं बताई थी, निबंधात्मक प्रश्न बताया था। ये निरक्षरता, मिलावट, भ्रामक विज्ञापन कोई भी आप दे सकते हो। स्त्री आंतरिक प्रजनन अंग का नामांकित चित्र बनाए, ये आपके पेज नंबर 21 के ऊपर चित्र दे रखा है, उसको आपको बताना है। संदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम, कारण और लक्षणों की सूची है, ये आपके 134 नंबर पेज के ऊपर लक्षण कारण और नाम सारे डिटेल में दे रखे हैं। स्वरोजगार को परिभाषित कीजिए और साथ में पोषण व रोजगार के अवसर लिखिए, ये आपका पाठ नंबर जो 36 नंबर का आगे आपका जुड़ा था उसी के अंदर से। इसमें आपको स्वरोजगार यानी अपना खुद का रोजगार स्थापित करना है, वो भी खाद और पोषण में, तो जैसे बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, इस तरीके के रोजगार है, आप इसमें चला सकते हो। आगे पे 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल आप कैसे करेंगे, ये भी पेज नंबर 94 और 95 पर इसका डिटेल है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक पेज नंबर 46 पे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और मेरी सीरीज़ में भी ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में निशान लगा के बताया था। गर्भवती की पोषण संबंधी समस्याओं पर विस्तार से समझाइए, ये भी मैंने गर्भवती पोषण संबंधी समस्याएं भी डिटेल से बताई थी, 102 नंबर पेज पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तैयार पोशाक खरीदते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, 157 और 158 नंबर पेज पे है, तो तैयार पोशाक खरीदते समय वही कारक है जो कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, आयु आ जाती है इसमें, धन आ जाता है आदि, इस तरीके का। एक नमूना बनाते समय आप कला के किन तत्वों का प्रयोग करेंगे, ये भी मैंने अपनी सीरीज़ के अंदर आपको कला के तत्व बताए थे, ये चार, रेखा, आकार, रंग और बनावट, इन चारों का डिटेल आपको बताना है। इसलिए मैंने आपको ये 32 क्वेश्चन बता दिए हैं, दो क्वेश्चन आपके अथवा में दे रखे थे, और ये सारे के सारे निबंधात्मक मेरी सीरीज़ में ऐसे के ऐसे आए हैं, इसलिए आगे से आप इन प्रश्नों का ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी 12th क्लास में बच्चे हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ऑल द बेस्ट।